नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हिमाचल प्रदेश की स्पेशल सीरीज में, जिसमें हम हिमाचल प्रदेश के एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। मेरा नाम है मोहित रांटा और आज मैं आपके लिए इस वीडियोस में जो क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो लाया हूँ मेले और त्योहारों से। तो फेयर एंड फेस्टिवल से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें भी हम मेले और त्योहारों से रिलेटेड ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ज्यादा समय ना लेते हुए। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यहाँ पर जाके चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो की या किसी भी वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, वहां मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल है, होली का प्रसिद्ध त्योहार कहाँ अनुपम रूप से मनाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में होली का त्योहार जो है ये पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में ऐसी कौन सी पर्टिकुलर जगह है जहां पर इसे बहुत ही उल्लास के साथ मनाया जाता है, अनुपम तरीके से मनाया जाता है? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल कौन सी जगह का है? तो ऑप्शन कुछ इस तरह से है, मंडी, चंबा, सोलन या फिर सुजानपुर। तो जैसे कि आपको पता है, हिमाचल प्रदेश का जो सुजानपुर टाउन है वहां की होली जो है बहुत फेमस है, तो सुजानपुर की होली ये काफी फेमस है। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है डी, सुजानपुर। अगला सवाल ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, सवाल है फुलेच त्योहार किस जिले में मनाया जाता है? फुलेच जो है ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट त्योहार है, जो कहां पर मनाया जाता है। जो ऑप्शन दिए हैं वो कुछ इस तरह से हैं, किन्नौर में मनाया जाता है, शिमला में, चंबा में या फिर सिरमौर में। तो फुलेच जो है ये मनाया जाता है किन्नौर में, ये इसका राइट आंसर है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल यहां पर है, निम्नलिखित में से कौन सा मेला अंतरराष्ट्रीय स्तर का नहीं है? तो यहां पर मैं आपको ऑप्शन बता देता हूं। ऑप्शन कुछ इस तरह से हैं, दशहरा कुल्लू का, लवी रामपुर की, विंटर कार्निवल मनाली का या ग्रीष्मोत्सव धर्मशाला का, तो जो समर फेस्टिवल है धर्मशाला का। तो इनमें से कौन सा ऐसा फेस्टिवल है जो अंतरराष्ट्रीय फेस्टिवल नहीं है? कुल्लू का दशहरा ये एक अंतरराष्ट्रीय फेस्टिवल है, ठीक है। लवी रामपुर की ये एक व्यापारिक मेला है और ये भी एक इंटरनेशनल मेला है। विंटर कार्निवल मनाली का ये भी एक इंटरनेशनल फेस्टिवल है। और इस सवाल का जो सही जवाब है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर का मेला नहीं है, वो है हमारा ग्रीष्मोत्सव धर्मशाला। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है डी, ग्रीष्मोत्सव धर्मशाला। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल यहां पर कुछ इस तरह से है, रेणुका तथा परशुराम की वार्षिक बैठक सभा की याद में डैश मेला समारोह संपन्न हुआ? रेणुका मेला, लवी मेला, मिंजर मेला या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता है रेणुका माता के नाम पर मेला लगता है, रेणुका मेला, जो कि लगता है सिरमौर में। और लवी मेला है ये एक व्यापारिक मेला है, ये लगता है रामपुर में, डिस्ट्रिक्ट शिमला में। तीसरा यहां पर है मिंजर मेला, मिंजर मेला जो है ये लगता है चंबा में। तो इस सवाल का जवाब जो है वो है ए, रेणुका मेला। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, डैश को लाहौल स्पीति में नव वर्ष के उत्सव के रूप में मनाया जाता है? तो जो ऑप्शन है वो कुछ इस तरह से है, शिशु मेला, लोसर मेला, ग्याल्टो मेला या फिर थाउ थाउ चोथोंग मेला। तो इनमें से कौन सा ऐसा मेला है, ऐसा उत्सव है जो नव वर्ष के समय मनाया जाता है, नव वर्ष के उपलक्ष में मनाया जाता है? तो ये जो मेला है ये मनाया जाता है लोसार। तो याद रखिएगा, लोसार मनाया जाता है नव वर्ष के तौर, नव वर्ष के दिन, और मनाया जाता है लाहौल स्पीति में। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, किस राज देवता के जलेब से मंडी का शिवरात्रि मेला शुरू हुआ है? ऑप्शन जो है वो कुछ इस तरह से है, रघुनाथ, भूतनाथ, माधव राय या फिर गणेश। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है माधव राय, बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, मेला समाप्ति से पूर्व की रात को गुरु और चेला अगले वर्ष की भविष्यवाणी किस मेले में करते हैं? तो ऑप्शन कुछ इस तरह से है, रामपुर बुशहर का लवी मेला, सिरमौर का रेणुका मेला, मंडी की शिवरात्रि या फिर बिलासपुर का नलवाड़ी मेला। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है मंडी की शिवरात्रि, डी सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, नलवाड़ी मेले की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन कुछ इस तरह से है, बैलों के जोड़ों की पूजा, ठीक है, घोड़े और खच्चर का व्यापार या घुड़दौड़ या फिर बैल दौड़। तो नलवाड़ी मेला जो है ये कैटल फेयर है, ये लगता है नलवाड़ी में, बिलासपुर के नलवाड़ी में, जहां पर क्या होता है, शहरों से अच्छी किस्म के, अच्छी नस्ल के जो पशु है वो लाए जाते हैं और जिनको यहाँ पर स्थानीय लोगों को बेचा जाता है। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है बैलों के जोड़े की पूजा।
पूजा, तो ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, मिंजर मेला और त्रिलोकीनाथ मेला हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर लगता है? ऑप्शन कुछ इस तरह से है, मंडी, चंबा, चायल या फिर धर्मशाला। तो कभी कभार दो मेले पूछे जाते हैं, तो इनमें से अगर आपको एक पता है, जैसे कि मिंजर मेला है ये लगता है चंबा में, तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है चंबा। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल यहाँ पर है, रियासती युग में चंबा में मिंजर उत्सव का श्री गणेश, श्री गणेश होता है आरंभ, तो रियासती युग में चंबा में मिंजर उत्सव का श्री गणेश होता था, तो कैसे होता था? ऑप्शन कुछ इस तरह से है, कुंजरी मल्हार गीतों के गायन से, राजा द्वारा प्रातःकाल रघुवीर और लक्ष्मी नारायण मंदिरों में मिंजर के समर्पण चढ़ावे से, ठीक है, या फिर रावी नदी में मिंजर और नारियल प्रवाहित करके, या फिर राजमहल से भव्य शोभा यात्रा के सूत्रपात से। तो कैसे मिंजर मेले का शुरुआत होती थी? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है राजा द्वारा प्रातःकाल रघुवीर और लक्ष्मी नारायण मंदिरों में मिंजर के समर्पण के द्वारा, ठीक है, बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, सोलन जिले का सर्वाधिक लोकप्रिय जोहड़ जी मेला किसके संबंधित है? तो किससे संबंधित है सोलन का जोहड़ जी मेला? तो ऑप्शन कुछ इस तरह से हैं, गुरु हरगोबिंद से, गुरु नानक देव से, गुरु अमरदास से या फिर गुरु अंगद देव से। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है गुरु नानक देव से। तो इनके नाम से लोकप्रिय है जोहड़ जी मेला। अगला सवाल यहाँ पर लेते हैं, लोसार उत्सव निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये सवाल रिपीट हुआ है, तो ऑप्शन कुछ इस तरह से हैं, देखिए, वर्षा ऋतु के अंत में, या फिर तिब्बतियों के लिए नए वर्ष से, सांडों की लड़ाई से, या खटमलों, जुओं और पिस्सुओं के जलाने से। तो लोसार का क्या मतलब होता है? तो लोसार त्योहार जो है इसका सही जवाब है तिब्बतियों के नए वर्ष से ये संबंधित है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल यहाँ पर है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, निरमंड का भूंडा उत्सव कितने अंतराल के बाद मनाया जाता है? तो निरमंड का एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल है हिमाचल प्रदेश में, जो कि है भूंडा उत्सव, ठीक है, ये मनाया जाता है, ये कितने अंतराल के बीच में मनाया जाता है? ऑप्शन कुछ इस तरह से हैं, 2 वर्ष, 6 वर्ष, 12 वर्ष या फिर 15 वर्ष। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 12 वर्ष। तो भूंडा उत्सव जो है ये भी 12 वर्षों के बाद मनाया जाता है। अगला सवाल यहाँ पर लेते हैं। अगला सवाल कुछ इस तरह से है, घंटाल पर्व डैश जिले में मनाया जाता है। तो घंटाल पर्व कहाँ पर मनाया जाता है? ऑप्शन कुछ इस तरह से हैं, किन्नौर, लाहौल स्पीति, सिरमौर या फिर चंबा। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है लाहौल स्पीति में, लाहौल स्पीति में मनाया जाता है गुरु घंटाल पर्व। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल कुछ इस तरह से है, बिलासपुर जिले में गोविंद सागर के किनारे नलवाड़ी मेले की रूपरेखा मूलतः निम्नलिखित में से किसकी आपूर्ति के लिए की गई थी? तो ऑप्शन कुछ इस तरह से है, अनाज, फल, भेड़ या फिर मैदानों के बैल। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो आता है मैदानों के बैल, डी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, बाबा बड़भाग सिंह का मेला किस जिले में आयोजित होता है? ऑप्शन कुछ इस तरह से हैं, सोलन में, ऊना में, कांगड़ा में या फिर हमीरपुर में। तो बाबा बड़भाग सिंह का मेला कहाँ पर लगता है? ये लगता है ऊना में, सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, सूही मेला, सूही मेला भी काफी इंपॉर्टेंट है, सूही मेला किस जिले से संबंधित है? सूही मेले का ऑप्शन कुछ इस तरह से, कांगड़ा से, बिलासपुर से, ऊना से या फिर चंबा से। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है सूही मेले का संबंध है चंबा से, और ये रिलेटेड है साहिल वर्मन की जो पत्नी थी उनका नाम था रानी नैना देवी, उनके उनके नाम पर ये लगता है ये मेला, सूही मेला। तो सी डी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, प्रदेश में बूढ़ी दिवाली नामक मेला कहाँ पर लगता है? ऑप्शन कुछ इस तरह से हैं, रिवालसर में, निरमंड में, मंडी में या फिर बिलासपुर में। तो इस सवाल का जो सही जवाब है ये लगता है निरमंड में, सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, कौन से स्थान के मेले में केवल महिलाओं व बच्चों को भाग लेने की अनुमति होती है? तो ऑप्शन कुछ इस तरह से है, चेल, हमीरपुर, चंबा और धर्मशाला। तो ये इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था, मेले का नाम था सूही मेला। तो सूही मेला कहाँ पर लगता है? वहां पर मनाया, सिर्फ महिलाओं और बच्चों को जाने किया गया है, तो ये मेला लगता है चंबा में, बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, स्पीति और किन्नौर में आयोजित होने वाले गोयतर तथा लाडारचा मेलों में खाम्पाओं का कौन
कौन सा समूह शरीक होता है? तो ऑप्शन जो है वो कुछ इस तरह से है, न्यूंदी और थावा, ठीक है, पीती या और धावा, या फिर गर्जा और नकोरा, या खुन्नू और पीती। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल का जो सही जवाब है, इस मेले में जो ये गोएतर और लाडारचा मेला होता है, इसमें खामपाओं का जो समूह शरीक होता है वो होता है खुन्नू और पीती। डी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, कौन सा मेल सही नहीं है? तो इनमें से सही कौन सा मेल नहीं है? होली मेला कहाँ पर लगता है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, ये लगता है सुजानपुर में। नलवाड़ी मेला कहाँ लगता है, इसके बारे में भी बात की है हमने, ये लगता है बिलासपुर में। मिंजर मेला कहाँ लगता है, मिंजर मेला लगता है चंबा में। रामपुर में लगता है लवी मेला। तो ये इसका सही जवाब है, रेणु का मेला लगता है सिरमौर में। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है सी, मिंजर मेला लगता है चंबा में। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट है। सवाल है, शिशु मेला कौन मनाता है? तो शिशु मेला जो है वो कौन मनाता है? बौद्ध मनाते हैं, मुसलमान मनाते हैं, हिंदू मनाते हैं, या फिर जैन मनाते हैं? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है, ये मनाते हैं बौद्ध। ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इस सवाल में आपको एक और सवाल पूछता हूँ, जिसको आप कमेंट करके आपको इसका जवाब देना है। शिशु मेला जो है ये कहाँ पर लगता है? अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, किन्नौर जिले का कौन सा महोत्सव केवल युवा पुरुषों द्वारा आयोजित किया जाता है? ऑप्शन कुछ इस तरह से है, हालड़ा, लोसर, या फिर तोशिम, या फुलाइच। तो फुलाइच को फुलैच भी कहा जाता है। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जिनको सिर्फ युवा पुरुष ही आयोजित करते हैं? तो ये है तोमिश। तो याद रखिएगा, किन्नौर का तोमिश। अगला सवाल यहाँ पर है, किन्नौर का कौन सा त्योहार फूलों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन कुछ इस तरह से है, छतराल, उखियांग, बिशु, या फिर डकरेमी। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है उखियांग। उखियांग जो है ये किन्नौर का त्योहार है, जो कि फूलों के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा, इसको फुलियाज के साथ कंफ्यूज मत करिएगा। अगला सवाल जो है वो कुछ इस तरह से है, प्रसिद्ध नलवाड़ी मेला प्रदेश में किस स्थान पर लगता है? तो इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, ये लगता है बिलासपुर में। ये इसका राइट आंसर है। अगला सवाल लेते हैं, मिंजर मेला कहाँ पर होता है? तो मिंजर मेले के बारे में भी हम बात कर चुके हैं, मिंजर मेला लगता है चंबा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सवाल है, फुलेज एक प्रसिद्ध त्योहार है कहाँ का? किन्नौर का, कांगड़ा का, चंबा का और सिरमौर का। तो फुलैच एक काफी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, इसके बारे में हम इससे पहले बात कर चुके हैं। तो फुलैच फेस्टिवल जो है ये काफी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है किन्नौर का। ये इसका राइट आंसर है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, डूंगरी मेला किससे संबंधित है? डूंगरी मेला काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन कुछ इस तरह से है, देवी श्यामा काली, देवी कुंजोम, या फिर भीमा काली, या फिर हिडिंबा। भीमा काली है सरान में, श्यामा देवी शिमला में, देवी कुंजो कहाँ पर है ये आपको ऑप्शन में मुझे बताना है, और देवी हिडिंबा के नाम से ये मेला लगता है डूंगरी मेला। तो सही जवाब है डी, देवी हडिम्बा। अगला सवाल यहां पर है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, फाग मेला कहां पर मनाया जाता है? तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन कुछ इस तरह से है, चंबा में, रामपुर बुशहर में, कुल्लू में, या फिर करसोग में। फाग मेला भी काफी इंपॉर्टेंट है और ये लगता है रामपुर बुशहर में। रामपुर बुशहर में एक और मेला लगता है, वो कौन सा मेला है कृपया करके कमेंट में लिखें। अगला सवाल यहाँ पर है, नववर्ष का त्योहार लोसार कहाँ पर मनाया जाता है? किन्नौर में, भरमौर में, सिरमौर में, या फिर लाहौल स्पीति में? तो किन्नौर में, ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल लेते हैं। अगला यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है, तीज का त्योहार किस जिले में मनाया जाता है? तो तीज कहाँ पर मनाया जाता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, किन्नौर में, बिलासपुर में, हमीरपुर में, या फिर सिरमौर में। तीज ये काफी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है और ये मनाया जाता है सिरमौर में। डी इसका राइट आंसर है। अगला यहाँ पर सवाल है, वो कुछ इस तरह से है, मलाना के पूज्य देवता का नाम क्या है? तो मलाना एक विलेज है जो कि है कुल्लू में, और ये वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है। तो मलाना देवता है यहाँ पर, जो पूज्य देवता है मलाना में वो कौन है? मार्कंडे है, माहुनाग है, जामलू है, या फिर वासुकी है? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है वासुकी। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है जामलू। तो जामलू देवता जो है वो यहाँ के पूज्य देवता है। सो गाइज, ये हमारी आज की वीडियो थी, जिसमें हमने हिमाचल प्रदेश के फेयर एंड फेस्टिवल के बारे में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए। दूसरी वीडियो में लेकर आऊंगा, जिसमें हम कुछ एक क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे फेयर एंड फेस्टिवल से रिलेटेड। आप कृपया करके ये बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके कमेंट करें, लाइक करें, और अगर वीडियो अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक करें। डिसलाइक करने के बाद आप ये भी बताइए आपको वीडियो में क्या अच्छा नहीं लगे। जो चीज इंप्रूव करने की होगी उसको हम इंप्रूव करेंगे, ताकि लोगों को अच्छी जो नॉलेज है वो मिल सके। इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों। आप अपने कीमती सुझावों में कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले लाइक करें, चैनल को जो बहुत ज़रूरी है सब्सक्राइब करें।